सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो कैंपस टीवी ते मैं सुखजीत। अज मैं तुहानू कांग्रेस के सीनियर लीडर नाल मिलाण लग्गिया जो पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच बहुत सालों तो काम कर रहे हैं ते उन्हां दे इन्हां कम्मां दी बदौलत ही अज यूथ कांग्रेस ने उन्हां नू मौका दिता है। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच जो इलैक्शन हो रहे हैं उन्हां दा उन्हां नू इंचार्ज बनाया गया, देख रेख करन वास्ते इत्थे भेजा गया ताकि जो NSOI पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच काम कर रही है वो उन्हां दे काम नू देख सकन। सब तो पहले असीं स्वागत करदे हां गगन जी तुहाडा। हाँ जी, थैंक यू सुखी जी। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच इलैक्शन 2016 च हो रहे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच जो NSOI दा इस टाइम दो गुटां दे विच बट गई, एक NSOI बनी है, एक NSOI स्टूडेंट फ्रंट बन गया, तुसीं उहदे बारे की कहना चाहोगे? देखो जी, NSOI कोई मतलब किसी एक बंदे की बनाई हुई पार्टी तो है नहीं, एक नैशनल पार्टी है ते इसकी प्रेजिडेंट मैडम अमृता धवन ने, तो मैडम अमृता धवन जी ने जो फैसला किया, जो उन्होंने पैनल अनाउंस किया सही NSOI तो उही है। बाकी हर एक बंदे का अपना अधिकार हों, चाहे वह NSOI स्टूडेंट फ्रंट बनाए चाहे कोई कोई होर बनाए, वो असं नहीं रोक सकते। बट जो सही NSOI साढ़े अजय चकारा जी ने भी पहला इंटरव्यू भी दसिया, तो उन्होंने प्रेस नोट भी कढ़िया, तो मतलब जो स्टूडेंट फ्रंट है वो NSOI का कोई लेना देना नहीं है। ये दिल्ली वालों जो भी NSOI असी काम कर रहे हैं तो उही NSOI इतने 4 साल तो काम कर रही है। जो से अगर अगर मैं गल करा NSOI का स्टूडेंट फ्रंट तो बन गया, लेकिन अगर आप की गल करिए पंजाब कांग्रेस के भी आपके कन्फलिक्ट चल रहे हैं, स्टेजा के जो कुछ होंगे तो किसी तो छुपया नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी उही चीज़ देख देखने देख मिल रही है, तो की लगता है कि इस तरीके जो NSOI भी है वो इलैक्शन जित पाऊगी? देखो सुखी जी, पंजाब इलैक्शन तो स्टूडेंट इलैक्शन बहुत फर्क है। इतने असी स्टूडेंट तो वोट मंगन जावे अपने कामों के आधार पर, तो साढ़े इतने जोड़े NSOI के दूजे स्टूडेंट्स आ जे लीडरस आ बहुत मेहनत न एक साल दिन रात उन्होंने किया हुआ है, तो वह अपने कामों के आधार पर जाके वोट मंगन के ना कि वो मतलब वो वैसे वोट मंगन जाएंगे। इस करके स्टूडेंट्स का अपना हक है, वो किसी भी वोट पा सकते, पर जो असी काम किए असं दावा करते हैं कि स्टूडेंट साढ़े तो सैटिस्फाई है, तो असं दिन रात अगे तो भी उन्होंने कामों लिए दिन रात एक करा। तो एक मैं गल होर थोड़ा पूछना चाहूँगा कि NSOI जो स्टूडेंट फ्रंट बनया वो तो वह भी थोड़े लोग है, पिछले बार जो NSOI दे या इस बार उन्होंने स्टूडेंट फ्रंट बना लिया, लेकिन जो NSOI जो नाम है वो एक कांग्रेस की मेन चेन का नाम है, वो स्टूडेंट फ्रंट ला रहे हैं, कि वो तुम की कर सकते हो? देखो जी, पहला साड़ी पार्टी के उन्होंने काम किया NSOI दे, बट हूँ उन्होंने इस बारी अपनी एक NSOI स्टूडेंट फ्रंट बना लिया, जिदे करके मैडम अमृता धवन के नोटिस के गल है, वो थोड़े दिन तक नैक्सट वीक तक इतने आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाएंगे कि वो एक NSOI ये उत्ते विचार किया जाऊगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि NSOI नाल कोई उन्होंने लेना देना नहीं है, तो ये बारे भी उन्होंने लीडरशिप नाल भी गल करेंगे कि वो NSOI का नाम हजे भी NSOI का नाम ला के वो वोट मंग रहे हैं, क्योंकि जे तो वो इन्ना अपना रखते हैं कि स्टूडेंट फ्रंट बना के कल काम करने की उन्होंने है, तो फिर एक अपनी अड पार्टी बना के वोट मंगन, फिर वो NSOI का नाम यूज ना कर। चलो, उम्मीद करते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो चीज़ होए। तो लास्ट दिन मैं कहूँगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तुम एक सीनियर लीडर हो, तुम्हें इंचार्ज बनाया गया, बेशक तुम NSOI के इंचार्ज बने हो, लेकिन जो इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे उन्होंने की मैसेज है? मैं सारे स्टूडेंट पहले तो मैं फ्रैशरस का वेलकम करदा, जो इतने नवे स्टूडेंट्स आए आ उन्होंने मैं कंग्रेचुलेशन करदा, क्योंकि वो इस एक यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की नंबर एक रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी है उत्थे पढ़ रहे, उन्होंने मौका मिले। तो दूजा असी स्टूडेंट्स नूं कहांगे कि वो इत्थे अपना सोशल सर्कल बनाउण, तो अपना स्पोर्ट्स ते अपनी हेल्थ का ध्यान रखन, तो लड़कियों की रिस्पैक्ट करन, तो अपना मन ला के अपनी पढ़ाई करन, तो इत्थों कामयाबी हासिल करके कितने अपनी अपनी अलग अलग पोस्टा से अपने पेरेंट्स का नाम उच्चा कर। बिल्कुल, बहुत वधिया तुसी मैसेज दिता, साडे नाल गलबात की, बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी। थैंक यू सुखी जी, थैंक यू वेरी मच। ए सी गगन बराड़ जी, अगली बार किसी नवे लीडर लैके फिर हाजिर होवांगे, हुण अपने सुखी नूं दिओ इजाजत, तुसी वेखदे रहो कैंपस टीवी, यू मिस नथिंग।